Om Shanti. Satravi Shatabdi America में एक छोटी सी कन्या का जन्म होता है. उसकी माँ जो है वो क्रिश्चियन धर्म से है और उसके पिता जो है वो वहाँ का जातीय कबीला जो है उसके सरदार है. उसके माँ को अपहरण कर कर लाया गया था कभी, फिर बाद में उसी कबीले के सरदार से शादी हुई थी और वो छोटी कन्या जब जन्म लेती है 1656 कटेरी जिसका नाम था, उस समय वहाँ पर बड़ी माता स्मॉल पॉक्स की बीमारी सबको हो रही थी और उसकी माँ को भी होती है, पिता को भी होती है, उसके छोटे भाई को भी होते हैं और वो तीनों ही मर जाते हैं. जन्मते ही वो अनाथ, ऐसी वो कन्या कि जिसके पूरे चेहरे पर वो सारे दाग स्मॉल पॉक्स के चेचक जिसको कहते हैं बड़ी माता, और आंखों से थोड़ा धुंधला सा दिखता था, कुरूप दिखने वाली वो कन्या. जैसे जैसे वो बड़ी हुई 13 वर्ष की, वो आदिवासी इलाका और वर्तमान समय जो न्यूयॉर्क है उसके आसपास की ये कहानी. उसकी शादी की बातें चली, परंतु बचपन से ही ये छोटी कन्या ऐसी वैरागी थी कि उसे इंटरेस्ट नहीं था ये सब बातों में. उसे देखने के लिए कई बार वर आए और उसकी प्रथा के अनुसार कुछ थाली में कुछ वहाँ का विशिष्ट भोजन जब कन्या उस वर को देती है तो उसकी स्वीकृति समझी जाती है शादी के लिए. पर जब जब ऐसे मौके आए वो भाग जाती थी खेतों में और बड़ी हुई. क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने वाले एक फादर, एक पादरी उस गांव में आते हैं. लोगों का भयंकर विरोध. कुछ समय रहते हैं, चले जाते हैं, पर उनकी कुछ बातें ये छोटी कन्या सुनती है और उसको बहुत आकर्षण होता है. कुछ समय बाद एक दूसरे फादर आते हैं और जातीय प्रथा थी फीस्ट ऑफ द डेड जिसको कहते हैं, वहां पर वो लोग जो मरे हुए लोग थे और जिनको दफनाया गया था उस भूमि को खोदते थे और ये समझते थे कि इनकी रूह निजात आजाद हो जाए. तो उस फादर ने जब देखा ये सारे सुपरस्टिशन, उसने विरोध किया. तब लोगों की उनके प्रति घृणा और बढ़ गई. पर ये छोटी कन्या अत्यधिक आकर्षित होती गई क्योंकि उसकी माँ कभी क्रिश्चियन थी पर उसकी माँ ने तो कभी बहुत कम सानिध्य उसे प्राप्त हुआ था, कुछ मास केवल. और ये कन्या एकांत में जाती थी खेतों में और भगवान से प्रार्थना करती थी, तुम कौन हो. और जब एक बार उसकी तबीयत खराब थी और वो अपने झोपड़ी में थी, एक फादर वहाँ है, एक पादरी, जब सारी कन्याएं खेतों में थी, सारे लोग, और वहीं पर जैसे कि उसका पुनर्जन्म हुआ और उसने कहा कि मैं इस धर्म को स्वीकार करती हूँ, ईसाई धर्म को, और उसने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया जब उसकी उम्र 19 वर्ष की थी. और उसने एक ऐसी प्रतिज्ञा की जो शायद अमेरिका के इतिहास में तब तक किसी ने नहीं की थी, परपेचुअल वर्जिनिटी, आजन्म ब्रह्मचर्य.
और जैसे ही उन गांव वालों को पता चला इसने ऐसा कर दिया है, क्योंकि उसकी पालना उसके चाचा चाची जो थे उन्होंने की थी, सब ने बहुत विरोध किया, बहुत सताया, मारने की धमकी दी और बहुत कुछ किया। अंततः वो गांव छोड़कर अकेली निकल पड़ी। 2 मास तक पैदल चलती रही, बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करते हुए आखिर एक चर्च, एक मिशनरी संस्था जो थी वहां पहुंची और फिर अपना सारा जीवन वहां बिताया। उसका नाम था कटेरी, सेंट कटेरी। उसके जीवन में 2 चीजों का बहुत ज्यादा उल्लेख है, पहला पवित्रता और दूसरा तपस्या। जैसे जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया, वो सोती थी जमीन पर और उसका जो बिस्तर था उसके अंदर कांटे डाल के रखती थी। वो मेरा पति है जीसस, उसने इतना सहन किया, मैं क्यों नहीं सहन करूं। 24 साल की उम्र में 1680 शरीर छोड़ दिया। जब वो 24 साल की थी और बहुत छोटी उम्र में इस कन्या ने बहुत सेवाएं की, बहुत तपस्या की, अत्यधिक अल्पाहारी, एकांत प्रेमी और सबसे बड़ा चमत्कार जिसने उसे संत की पदवी दी वो था जब उसकी मृत्यु हुई और जिन लोगों ने उसका जीवन कहानी लिखी वो सारे फादर, उन्होंने देखा जब उसकी डेथ हुई 3 बजे 15 मिनट के अंदर उसका वो जो कुरूप चेहरा था जिसमें दाग थे वो बदल गया। द फेस बिकेम रेडियंट और वो एकदम सुंदर हो गई 15 मिनट के बाद। मौत सा मिराकल, चमत्कार। और 1 मास के अंदर उस संस्था में जो लोग थे मिशन में, ऐसे 3 अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर वो स्वप्न में आई और उसने कुछ शिक्षाएं दी। द फर्स्ट अमेरिकन सेंट टू बी कैनोनाइज्ड। क्रिश्चियन धर्म में संत की पदवी तब दी जाती है मरने के बाद यदि तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार हो लोगों को, तो अन्यथा नहीं। इस छोटी महिला संत को सेंट ऑफ लिली, ऑफ लिली कहा गया है। लिली अर्थात गुलाब का फूल। इस संत को फ्लावर ऑफ फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड अर्थात सहन करना, बेपनाह, टॉलरेंस, फ्लावर ऑफ फोर्टिट्यूड। और मरते समय उसके शब्द थे, जीसस मैरी आई लव यू। वर्तमान समय उसकी जन्म तारीख पर उत्सव होते हैं, मनाया जाता है और उसे इस बात के लिए याद किया जाता है कि इतनी कम उम्र में भी होलीनेस, पवित्रता संभव है। अमेरिका जैसा विलासितापूर्ण देश जो विकारों में डूबा हुआ है, वहां पर प्यूरिटी का ऐसा आकर्षण, ऐसा परमात्मा प्रेम, ऐसी सेवा की भावना
जो नर्स बनकर गरीबों की सेवा करती रही और इतनी कम उम्र में देह का त्याग कर चली गई। संडे की अव्यक्त वाणी कुमारियों से मुलाकात, इसकी हम चर्चा करेंगे। क्या कहा बाबा ने कुमारियों से? कमाल करने वाली और राइट करने वाली कुमारी, अर्थात संडे की मुरली, हर बोल और कर्म से और चित्र से बाप का चरित्र से बाप का चित्र प्रत्यक्ष करने वाली और उड़ना उड़ाना और कुमारियों से मुलाकात। कुमारियों से पूछो, बोलो कुमारियों, लौकिक और अलौकिक कुमारियों में अंतर और हर कर्म से भाषण करने वाली और संडे की मुरली, बोल दिया और कहीं भी संकल्प जा नहीं सकते और जिसके सारे संबंध एक बाप से है और दो पार्टियां थी, मुरली है 19 दिसंबर 1984 की, 17 दिसंबर 1984 210 कुमारियों का समर्पण समारोह हुआ था। उसके दो दिन बाद अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी ओम शांति भवन में, वहां चलिए अव्यक्त वाणी है, सरल मार्ग, स्पष्ट मार्ग, सहज मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग, जिस पर मुरली है। और उसके बाद बाबा बात कर रहे कुमारियों से, तो कुमारियों से बाबा ने बहुत सारी बातें की, दो ग्रुप थे, ऐसी 10 बातों की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहली बात, तुम अलौकिक कुमारिया हो, वो है लौकिक कुमारिया, तुम कौन हो? अलौकिक कुमारिया हो। तुम में और उनमें दिन रात का अंतर है। क्या अंतर है? लौकिक कुमारियों की क्या इच्छाएं होती है? लौकिक कुमारिया बैठी है, लौकिक कुमारिया किस में डूबी रहती है? संसार में डूबी रहती है, विलासिता में डूबी रहती है, इंतजार है कोई आए राजकुमार घोड़े पर सवार होकर ले जाने के लिए, दुखों की दुनिया से दूर, जो मुझे बहुत खुश रखे, जो मेरा बहुत ख्याल रखे, मेरी हर बात को माने, मेरी हर बात समझे, मुझे समझे, ऐसा कोई आ जाए उसका इंतजार रहता है। बाबा ने कहा लौकिक कुमारिया तुम हो अलौकिक कुमारिया, तुम में और उनमें अंतर है। वो लौकिक कुमारिया देहभान में रहती है और देहभान में गिराती है, तुम अलौकिक कुमारिया देही अभिमानी हो, उड़ती हो और उड़ाती हो, ये अंतर है तुम में और उनमें। तुम वो नहीं कर सकती जो वो कर रही है। उनकी दुनिया फैशन की दुनिया है, उनकी दुनिया फैशन परेड करना है, उनकी दुनिया श्रृंगार की दुनिया है, तुम्हारी दुनिया आंतरिक सौंदर्य की दुनिया है, तुम्हारी दुनिया पवित्रता की दुनिया है। वो जब कटारी जिस दिन बैप्टाइज्ड हुई, बाप्तिस्मा हिंदी में, सारा गांव उसके विरोध में हो गया, कितना उसका विरोध किया, अकेली लड़ती रही और जैसे बताया एक दिन गांव छोड़कर चली गई और पैदल गई, 2 मास तक पैदल
किसकी तलाश में, प्यार किससे था उसका, प्यूरिटी से प्यार था, प्यार किससे था उसका, ऐसे लोगों की तलाश में गई जो प्रभु प्रेमी है, अपने घरदार परिवार को छोड़कर चली गई। उस यात्रा का भी वर्णन किया हुआ है, कहां कहां से वो गई, किन जंगलों से वो गुजरी, किन पहाड़ों से वो गुजरी, किन नदियों को उसने क्रॉस किया। इतिहास में ऐसी कितनी आत्माएं हैं, जरूर वो इसी परिवार की होगी, क्योंकि ऐसा प्रभु प्रेम और ऐसी पवित्रता का बीज तो यहीं बोया गया है। क्रिश्चियन धर्म में जो एक कहानी सुनाई, ये तो एक कहानी थी एक आत्मा की। ऐसी कितनी ही महिला संत है, एक एक की कहानी पढ़ो तो आंखों से आंसू आ जाए, इतना उनको सताया गया। बर्निंग एट द स्टेक, जला दिया गया गांव के सामने, किस लिए? इस प्रभु प्रेम के लिए। तो सबसे पहली बात, तुम कौन हो? अलौकिक कुमारिया। ये भूलना नहीं है, ये केवल कुमारियों की बात नहीं है। हम कौन है अलौकिक कुमार? हम हैं अलौकिक आत्माएं। क्योंकि संसार में आज की मुरली से सभी कौन है, बहुत कड़ा शब्द है, क्रिमिनल, क्राइम की परिभाषा क्या है, बड़ी कठोर परिभाषा है, अपराध, क्राइम, क्राइम करने वाले, क्रिमिनल। और कहां है सब? जेल में है। और जेल इतना बड़ा है कि किसी को लगता ही नहीं है जेल है, क्योंकि ये रावण का जेल है, द टेल ऑफ डबल जेल। ये कहानी है डबल जेल की। यहां सभी बंधन में है। आज की मुरली में पांचों विकारों की रस्सियों में सब बंधे हुए हैं, ऐसा एक भी नहीं है। और जहां विकार सर्वव्यापी है, वहां बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तो कुमारी अर्थात अलौकिक, कुमारी अर्थात देही अभिमानी। मुरली में है देह अभिमान, सबको गिरा दिया है। सबसे बड़ा क्राइम यह है, इसीलिए सभी क्रिमिनल है, सब क्रिमिनल है। कितना बड़ा धक्का है यह। और केवल जान लेना हम क्रिमिनल है, क्रिमिनल क्रिमिनलिटी से मुक्त नहीं करेगा। बाबा ने कहा शैतानी, अंदर में जो शैतानी है उसको निकाल दो, अंदर में जो विकार है उसको निकालो, तो अलौकिक बनना है। यात्रा है लौकिक से अलौकिक की, यात्रा है देहभान से देही अभिमानी स्थिति की, यात्रा है अपवित्रता से पवित्रता की। काम महाशत्रु है, बाबा ने आज की मुरली में कहा, जब तक काम को नहीं जीतोगे तब तक विश्व की बादशाही जगत जीत नहीं बन सकोगे। छोटी सी बात है, हजारों बार सुनी हुई है, पर कितनी हमने समझी और कितनी हमने धारण की। सारा दारोमदार किरदार पर है, चरित्र पर है, कैरेक्टर पर है। यहां सबके कैरेक्टर कैसे है? डेविलिश, शैतानी, आसुरी, सब कुछ कैरेक्टर पर निर्भर है, हमारा कैरेक्टर कैसा है। तो कुमारिया अर्थात अलौकिक, कुमारिया अर्थात उड़ने वाली, कुमारिया अर्थात उड़ाने वाली, कुमारी अर्थात वो नहीं जो देहभान में रहती और दूसरों को देहभान में गिराती है। ये कुमारी के सिर पर बहुत बड़ा पाप है यदि किसी को देहभान में लाती है। ये कुमारों के सिर पर बहुत बड़ा पाप है यदि किसी कुमारी को देहभान में लाते हैं। और देहभान में कैसे लाते हैं एक दूसरे को, कुमार और कुमारी? शारीरिक सौंदर्य का
वर्णन, स्तुति, गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स, घनिष्ठता, मैत्री, फैमिलियरिटी, मेलजोल, घूमना फिरना, अत्यधिक बातें, खेलना, नाम सेवा का ऊपर से चिपकाना, और अंदर से अंतरद्रोह, एक है खुद विकार में गिरना, एक है दूसरे का हाथ पकड़कर उसको गिराना। पाप दूसरे में ज्यादा है, पहले में खुद को गिरा रहे, दूसरे को दूसरे में दूसरे को पकड़कर घसीट रहे हैं इस दलदल में। तुम निकल जाओगे शायद, परंतु वो क्या निकलेगा या निकलेगी? कुमारी अर्थात अलौकिक, कुमारी अर्थात कमाल करने वाली, यही कमाल है, इसी को कमाल कहा जाता है। तो ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, कुमारी अर्थात सर्व संबंधों का रस एक से। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी ये था, पर अभी प्रैक्टिकल में है, क्योंकि जब तक सर्व संबंधों का रस एक से नहीं, वो जो कटारी थी वो कहती थी जीजस माय हस्बैंड, आई सरेंडर माय लाइफ अन टू हिम, फॉर होम आई वेट, एंड ओ लॉर्ड प्लीज कम आई वेट फॉर दी, एंड द वर्ल्ड इज अगेंस्ट मी, ये दुनिया मेरे खिलाफ है, तुम कब आओगे? आर्त पुकार है उसकी। इसके लिए मरने के बाद भी सदियों तक उसके द्वारा साक्षात्कार होते रहे आत्माओं को। अभी अभी 1980s में शी इज द फर्स्ट सेंट टू बी कैनोनाइज्ड, अमेरिका की, बहुत ऊंचा माना जाता है उसे। संसार का उसके पास कोई अनुभव नहीं था, उसके पास अनुभव था पवित्रता का। कुमारी अर्थात सारे संबंध एक से, सर्व संबंधों का रस एक से, उसी में सब कुछ है। तो फिर संकल्प और कहीं जाएंगे नहीं, संकल्प यहां वहां जा रहे, इससे दोस्ती करूं, उससे दोस्ती करूं, ये अच्छा दिखता है, वो अच्छा दिखता है, इसका स्वभाव अच्छा है, उसका स्वभाव अच्छा है, कोई मिल जाए साथी जिससे फोन पर बातें शेयर की जाए, बाबा ने कहा और रास्ते पर चले जाते हो, और कहां पहुंचते हो फिर? कल की संडे की अव्यक्तवाणी, कहां पहुंचते हो? उलझन के जंगल में, जहां पर कांटे हैं, क्या क्यों कैसे और पुराने संस्कार। और कौन से मार्ग है? चार मार्ग है जो इस हाईवे से उस जंगल तक पहुंचाते हैं। कौन से रास्ते हैं वो? व्यर्थ संकल्प का रास्ता, कमजोर संकल्प का रास्ता, आकर्षण का रास्ता, संसारिक आकर्षण कलयुगी, और चौथा देहाभिमान के अहंकार वश। मुरली में था ना कल, ये रास्ते हैं, यहां से वहां ले जाते हैं, वो जंगल है उलझन का जहां पर काटे हैं, और फिर चिल्लाते हैं बाबा बचाओ। बाप कहते हैं तुमने हाईवे क्यों छोड़ा? इतना सरल मार्ग, इतना स्पष्ट मार्ग मैं तुमको बताता हूं, वो क्यों छोड़ा? और फिर चिल्लाते हो और फिर पुकारते हो। सर्व संबंधों का रस एक से लेना, यह बहुत बड़ी तपस्या है, इतना आसान काम नहीं है कि बाबा के सामने बाबा तुम ये भी हो, वो भी हो, ऐसे भी हो, वैसे भी हो, काम पूरा हुआ चलो, बाप हो, टीचर हो, सदगुरु, ऐसे भी वैसे भी, सूक्ष्म तपस्या है। लंबा लंबा समय बाबा से बातें करने का अभ्यास चाहिए, योग नहीं कह रहे हम, जिसमें अशरीरी हो रहे वो अलग, वो छोड़कर
केवल बात करना, केवल बात, केवल सुनाना कि बाबा ने कहा एक एक संकल्प वेरीफाई करो, कल था ना, संकल्प क्या करो, वेरीफाई करो, एक एक संकल्प का सत्यापन कि वैसा ही है, या मेरे संकल्प कहाँ जा रहे, इच्छाएं कहाँ जा रही है, भावनाएं कहाँ जा रही, कल्पनाएं कहाँ जा रही है, यादों, किन यादों में रहता हूं दिन भर, किन बातों को सोचते रहता हूं, भविष्य की चिंता है, पास्ट, अतीत का पश्चाताप है, वो जो कटारी थी उसने जैसे ही क्रिश्चियन धर्म का अभ्यास किया उसके गुरु से जो पादरी थे उन्होंने उसको एक ही बात बताया कि पाप बहुत किए हैं, पश्चाताप करो, और उसने उस दिन से पश्चाताप करना चालू किया जबकि उसने शायद ही कोई पाप किया हो। और तपस्वी जीवन बना दिया इतनी छोटी उम्र में। और भगवान तो आज कह रहा है तुम सब क्रिमिनल हो, जेल में खूंखार क्रिमिनल, मैं आया हूं तुमको छुड़ाने के लिए, और मेरे सिवा तुमको कोई छुड़ा भी नहीं सकता था। बिगड़ते बिगड़ते और ही बिगड़ गए कैरेक्टर तुम्हारे, कितना अच्छा वाक्य है, बिगड़ते बिगड़ते और ही बिगड़ गए बहुत ज्यादा। रिफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, चरित्र सुधारने मैं आया हूं। तो कुमारी अर्थात जिसके सारे संबंध एक बाप से है, वही पति है, वही साजन है, वही दूल्हा है, वही माशुक है। माशुक, साजन, दूल्हा और पोस्ट मैरिज पति, तीन संबंध है। प्यार उससे, शादी भी उससे, अब उसी की पत्नी। वो जो कटारी होती है उसको वो पादरी कहता है जीसस क्राइस्ट मेरा पति है, उसको आश्चर्य लगता है तुम तो पुरुष हो, तुम ये क्या कहते हो। वो कहता है मैं हूं पुरुष पर आत्मा तो फीमेल है, इसके लिए वो मेरा पति है। आश्चर्य लगता है उसको, ये क्या कह दिया इसने, और तब से वो भी मानने लगती है अब और कोई नहीं चाहिए। तीसरी बात कुमारी अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा ने कहा स्मृति के तिलकधारी हो, निश्चय है, यही सत्य है, इसके अतिरिक्त तो कुछ सत्य है ही नहीं। जो जो भगवान कह रहा है कि सब सारा मदार कैरेक्टर पर है, कैरेक्टर ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। सारा ध्यान इस कैरेक्टर की तरफ ही हो और किसी की तरफ ना हो, कोई हमको हाथ भी ना लगाए, अनटच्ड। अस्पर्शित, निश्चय, वाक्य वाक्य पर निश्चय, एक एक बात पर निश्चय। लास्ट संडे के लास्ट संडे की मुरली, व्यर्थ संकल्प चलते हैं कैसे छूटेंगे, मुरली के चिंतन से। सुनना, समाना और सुनना, स्वरूप बनना, समाना और स्वरूप बनना, तीन चीजें करो बाबा ने कहा। मुरली का वाक्य वाक्य महावाक्य है, किसी भी एक वाक्य को लेकर उसका गहन चिंतन करना कि ये क्या कह दिया, ये किसके लिए कह रहे, क्रिमिनल संसार वालों के लिए कह रहे या मैं खुद क्रिमिनल हूं। पहले तो ये पता चल जाए कि दुर्गति हो गई है तब कहीं सदगति का मार्ग खुलेगा। अगर यही सोच रहे हम बड़े अच्छे से चल रहे हैं तो कहां से सदगति होगी। पहले तो ये पता हो जाए कि पापात्मा बन गए या पुण्यात्मा बनने का संकल्प जागेगा। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो ज्ञान में नहीं, हम उनकी बात कर रहे जो ज्ञान में है, क्योंकि गलती अक्सर उनसे होती है जो सब कुछ जानते हैं। जो कम जानते हैं उनसे थोड़ी कम होती है, जिन्हें, क्योंकि ज्ञान का शत्रु अज्ञान नहीं है,
ज्ञान का शत्रु अज्ञान नहीं है, ज्ञान का शत्रु है ज्ञान का भ्रम कि मैं जानता हूं. द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस बट इल्यूजन ऑफ नॉलेज. भ्रम भ्रम, हमने जान लिया है, हमने समझ लिया है. आज के मुरली में कहा है, मैं समझाता हूं वैसे तुम भी समझाओ. देहभान ना हो और बाप की याद हो तब भाषण अच्छा कर सकेंगे, ये दो बातें चाहिए, नहीं तो नहीं. बोला ना आज, मैं सिखाता हूं तुमको कैसे भाषण करना. संसार में भी स्पीकर है, वो हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं. संसार में भी एक्टर है, कमी नहीं है संसार में फिल्म एक्टर्स की, हंसाते हैं और रुलाते हैं, पर अशरीर ही नहीं बना सकते. अशरीर बनाना तुम्हारा काम है. अव्यक्त बाबा के महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा टीचर्स से मुलाकात. तो तीसरी बात, कुमारी अर्थात निश्चय और विजय. ये था फर्स्ट पार्टी. अभी पार्टी नंबर टू, चौथी पॉइंट, कुमारी अर्थात बाप को प्रत्यक्ष करने वाली, अपने हर कर्म से बाप को प्रत्यक्ष करने वाली, अपने बोल से बाप को प्रत्यक्ष करने वाली, चरित्र से बाप का चित्र दिखाने वाली. उसका चरित्र इतना ऊंचा हो, उसका किरदार, उसका कैरेक्टर हाईएस्ट हो, जिसमें कोई दाग नहीं, जिसमें कोई कलंक नहीं, जिसमें कोई ब्लेमिश कुछ भी नहीं. बाबा ने कहा सबसे ज्यादा ध्यान इसकी तरफ रखो, क्योंकि इसी ने विकारी बनाया है. चरित्र गिर गए है सबके यहां पर, चारित्रिक पतन हुआ है यहां पर, मॉरल वैल्यूज लूज हो गई है, लैसिट्यूड इन मॉरल वैल्यूज. जगदीश भाई ने अपनी किताब में लिखा है एक नया शब्द, टर्पिट्यूड ऑफ मॉरैलिटी. टर्पिट्यूड अर्थात जहां मूल्यों का सर्वनाश, सर्वथा पतन हो गया है, ऐसी स्थिति है. टोटल लैसिट्यूड, टोटल टर्पिट्यूड. तो कुमारी अर्थात क्या करे, कर्म से, संकल्प से, बोल से उसको प्रत्यक्ष करे. जैसे संसार का उदाहरण दिया, कोई अच्छा बोलता है तो पूछा जाता है इसको किसने सिखाया, वैसे तुम भी हो. उसके बाद में अगली पॉइंट, कुमारी अर्थात कौन सी सेवा सेना ज्वाइन की है, कौन सा झुंड ज्वाइन किया है. शक्ति सेना. इसके लिए इसको छोड़कर अब कहीं नहीं जाना. कितनी अच्छी बात बोल दी. कईयों ने छोड़ा है और कोई जाने की तैयारी में भी है, सोच रहे हैं कोई मौका मिल जाए, ऊपर से अच्छा सा कोई बहाना मिल जाए तो छोड़ के चली जाऊं. छोड़ के जाने न वाली यह जो शक्ति सेना है, यह जो झुंड है, क्योंकि इस संगठन में बहुत सुरक्षा है. इसके बाहर निकलते ही माया का आक्रमण होगा और बड़ा सूक्ष्म आक्रमण होगा, और सबसे पहला आक्रमण पवित्रता पर होगा और वहां आत्मा गिरेगी नीचे. और कब गिरेगी वो पता भी नहीं चलेगा. पता तब चलेगा जब पूरी दलदल में फंस जाएगी, तब जाग आएगा ये क्या हो गया, तब चिल्लाएंगे रोएंगे, तब कुछ नहीं कर सकेंगे. मुकदमा तब तक बड़ी अदालत में पहुंच चुका है होगा. इंसाफ होगा फिर, सुनवाई नहीं. जजमेंट दिया जाएगा, फैसला डायरेक्ट. तो कुमारी अर्थात शक्ति सेना, इस झुंड में रहने वाली, इसे छोड़कर जाने वाली नहीं. अगली बात, कुमारी अर्थात स्वप्न में भी हलचल नहीं.
स्वप्न में भी हलचल नहीं, वैसे ही हलचल में आ गए तो स्वप्न में तो आएगी हलचल। स्वप्न में तो वही होता है जो सारे दिन भर हो रहा है, जो कुछ हम सोचते हैं सारे दिन भर वो स्वप्न में आता है। लोग कहते हैं वैसे हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है, हमारे सेवा सारे दिन भर करते, पर रात को सोते समय विकार के संकल्प आते, स्वप्न आते, ऐसा क्यों होता है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। दिन तो हमारा इतना अच्छा बीता, सारा दिन भर बाबा 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 और सारे दिन भर प्रदर्शनी समझाते रहे और सारा दिन भर सेवा करते रहे, फिर ये कहां से निकल पड़ा। स्वप्न पांच प्रकार के होते हैं। एक, जो कुछ सारे दिन भर देखा किया सुना वो रात में दिखता है। सारे दिन भर उपवास किया और मन में चिंतन ही चिंतन है, भोजन 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 भोजन, जबरदस्ती उपवास कर लिया, रात में ब्रह्मा भोजन ही दिखेगा। क्योंकि जो सारे दिन भर व्यक्ति सोचता है बैकग्राउंड में, वो रात में दिखता है। ये पहला स्वप्न है, सोचना। इसमें दो समय हुए, पहला जो सोचता है, दूसरा जो दबाता है सारे दिन भर, सप्रेस डिजायर्स। ये देखना नहीं है, ये देखना नहीं है, ये मुझे देखना नहीं है, मैं नहीं देखूंगा, और फिर देखते नहीं 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 ये मुझे देखना नहीं है। जो जो दबाया जाता है, जो जो सप्रेस किया जाता है रात भर दिन भर, वो रात में दिखता है स्वप्न में। सप्रेस डिजायर्स, दमित वासनाएं रात में जागृत होती है। तीसरा, कुछ स्वप्न पूर्व जन्म के हैं, किसी की मृत्यु ही मरने से, पानी से हुई है, उसे स्वप्न में दिखता है मैं मर रहा हूं, पानी में डूब रहा हूं। किसी की मृत्यु हुई है ऊपर से कूदने से, उसको दिखता है मैं ऊपर से कूद रहा हूं। इसके लिए बचपन से डर है, अंधेरे का डर रहता है किसी को, किसी को कूद इसका डर होता है, गिरने का डर होता है, कुत्तों का डर होता है, अजीब प्रकार के डर आते होते हैं लोगों को, ऐसे डर जो हमने कभी सोचे नहीं, ऐसे ऐसे डर होते हैं। बीमारी का डर, ये मुझे होना चाहिए, हुआ कुछ नहीं है पर डर रहता है। फोबियाज की बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। फोबियाज पर फियर अलग, फोबिया बीमारी है साइकियाट्री में। तो शक्ति सेना, शक्ति सेना में जो होंगे उनको निर्भय होना पड़ेगा, शक्ति सेना में जो होंगे उनको शक्तिशाली होना पड़ेगा। तो कुमारी अर्थात जो, एक तो शक्ति सेना में, स्वप्न में भी हलचल नहीं। अगली बात, कुमारी अर्थात संकल्प में भी कुसंग में जाने वाली नहीं। कुसंग में बाप का ही संग सर्वश्रेष्ठ है, उस संग को छोड़कर जो भी संसार के संग है सब कुसंग है। सत्संग, एक बाप का संग सत्संग है, किताबों का संग सत्संग है, महान आत्माओं का संग सत्संग है, एकांत में चिंतन करना सत्संग है। इसके अतिरिक्त व्यर्थ संग, आज की मुरली में आया है र्यूमर्स, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर फैलाने वाले, पता कुछ भी नहीं है किसी को, केवल बातें बना रहे हैं, किसी को कोई खबर नहीं है, क्योंकि बातों में रस है। किसी ने कोई एक संदेश भेजा था, कभी कभी अपनी भी बहुत तारीफ कर लिया करो, क्योंकि बदनामी करने वालों की दुनिया में कमी नहीं है, खाली बैठे हैं लोग। तो अफवाह, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। बाबा ने कहा बाप को बताया तो बाप उनको बताएंगे, दुश्मनी हो जाती है, खाक कर देते हैं, खलास कर देते हैं, किसी की इमेज अंदर से जलते हैं। रूमर्स, गॉसिप्स, ग्रेपवाइन, इधर की बात उधर, उधर की बात, उसने इसने ये किया, उसने वो किया, पता कुछ भी नहीं किसने क्या किया। उधर से एक भाई और एक बहन आ रही है, जरूर कुछ है, ये यहां क्या कर रहा है, वो वहां क्या कर रही है, ये बहन इतने दिन से यहां क्या कर रही है, तुमको क्या करना है, व्हाट इज दैट टू यू, माइंड योर ओन बिजनेस। ये यहां क्या है, ये उस डिपार्टमेंट में था, इस डिपार्टमेंट में क्यों चला गया,
कुछ तो हुआ होगा, क्या हुआ पता करो, जासूस लगाओ, फिर उसके ऊपर मीटिंग। अच्छा व्यर्थ। यज्ञ का सबसे फेमस उदाहरण जो सब जानते हैं, वो भाई बहन जा रही है मधुबन के आंगन में और भाई पीछे, वो भाई बहन को पूछता है, बहन जी आप कहाँ से हो? पीछे से मनमोहिनी दीदी वो उस भाई से पूछती है, क्या है शादी करनी है क्या? तुमको करना क्या है? वो कहाँ से है? वो अपने काम से काम रखो, वो जहां से भी होगी जितना भी दिन उसको रहना है रहेगी, एकोमोडेशन वाले देखेंगे, तुमको क्या करना है? व्हाट इज दैट टू यू? माइंड योर ओन बिजनेस। जीसस क्राइस्ट वापस आ जाता है 3 दिन के बाद, सूली लटकने के बाद, बाइबल में दिखाया है। वो उसका एक शिष्य पीटर उससे पूछता है, लॉर्ड डू यू लव मी? जीसस कहता है हाँ आई लव यू। वो फिर पूछता है डू यू लव मी? ही सेज यस आई लव यू। फिर पूछता है डू यू लव मी? यस आई लव यू। फिर वो पीटर पूछता है ये जो पीछे से जॉन आ रहा है क्या तुम इससे भी प्यार करते हो? जीसस कहता है व्हाट इज दैट टू यू? तुम अपने काम से काम रखो, मैं उससे कितना प्यार करता हूं मैं उसको बताऊंगा। तुम्हारा हो गया ना आउट। व्हाट इज दैट टू यू? ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है बाइबल का, व्हाट इज दैट टू यू? इससे तुम्हारा क्या मतलब? तुम अपना काम करो, अपने काम से काम रखो, ज्ञान योग करो बस, किसने क्या किया, कौन क्या करता है, इधर जाओ उधर देखो, ताक झाक। सुनहरी टोली, दादी जानकी कहती है सुनहरी टोली शुरुआत में थी, तब भी था अब भी है, बीज तो तभी बोया गया है। अपने आप साकार यादें, अभी अव्यक्त यादें, ऐसी आत्माएं रहेगी। ऐसा नहीं कि पहले का जमाना बहुत अच्छा था, जो पूर्व जमाने में लोग कितने अच्छे थे, अरे लोग अच्छे थे तो महात्मा बुद्ध ने प्रेम का संदेश किसको दिया? तब भी लोग वैसे ही थे जैसे अब है, पहले के लोग बहुत अच्छे थे। अगर अच्छे थे तो जीसस क्राइस्ट को सूली पर किसने चढ़ाया? अगर पहले के लोग अच्छे थे तो सुकरात को जहर किसने पिलाया? पहले के लोग अच्छे थे तो मीरा को जहर किसने पिलाया? पहले के लोग अच्छे थे वो मंसूर के हाथ पैर किसने काट डाले? लोग ऐसे ही हैं शुरुआत से। जो वहां था वो यहां भी है। कुमारी अर्थात संकल्प, उसके बाद बताया था कुसंग में न जाने वाले, उसके बाद अगली बात कुमारी अर्थात श्रेष्ठ तकदीरवान। क्या कहा बाबा ने? बहुत श्रेष्ठ तकदीरवान, परंतु भाग्यहीन कब बन जाते हैं? संडे की मुरली, मुरली में एक बार धोखा खा लिया, पेट नहीं भरा क्या? और 2-3 जन्म चाहिए? बाबा ने पूछा 63 जन्म धोखा खाया और 2-3 चाहिए कि दू धोखा खाने के लिए? फिर होश ठिकाने में आएंगे, और जो एक बार धोखा खाने के बाद फिर धोखा खाते हैं उनको कहेंगे भाग्यहीन। बाप ने तुम्हें भाग्य का वर्षा दिया, भाग्य से भरपूर किया, बाप ने तुम्हें भाग्य की इन्वर्टेड कॉमा जायदाद दी। बोला ना संडे, और करते क्या हो? फिर से धोखा खाओगे? इतने तो लोगों ने धोखा खा दिया, इतनी बार प्यार किया, क्या मिला हर बार? द फ्रस्ट्रेटेड लव अफेयर से परेशान नहीं हुए अभी तक? अब तो ठिकाने आ जाओ, लगाओ अपने होश को। तो कुमारी अर्थात श्रेष्ठ तकदीरवान। अगला कुमारी अर्थात बॉम्बे वाली कुमारी से बाबा कह रहे बॉम्ब फेंकने वाली। कौन सा बॉम्ब फेंकना है दुनिया में? आत्मिक बॉम्ब। कौन सा बॉम्ब फेंकना है? परमात्म प्रेम का ऐसा बॉम्ब फेंको कि प्रभु प्रेम का विस्फोट हो जाए संसार में, ऐसा भयंकर बॉम्ब फेंक देना। कौन फेंक रहा है उसके ऊपर निर्भर है, प्यूरिटी की पावर कितनी है, उस पावर से वो बॉम्ब फेंका जाए। लास्ट दो बातें, कुमारी अर्थात संसार में चाहे कुछ भी हो,
घर की घर का श्रृंगार हो, घर का क्या हो, श्रृंगार, मधुबन का श्रृंगार। और लास्ट दसवीं बात, कुमारी अर्थात सेंटर की रौनक, कुमारी अर्थात सेंटर की रौनक। भगवान ये कह रहा है, दुनिया वाले क्या कहते हैं वो छोड़ो, दुनिया वालों को जो कहना है करने दो, अभी इतना अच्छा ज्ञान में चल रहे, अभी विरोध करते, एक दिन अगर ज्ञान छोड़ देंगे ना तब भी कहेंगे देखा क्यों छोड़ दिया, तब फिर उल्टा विरोध करेंगे, हम तो आने वाले थे, अब तुमने छोड़ा हम क्यों आए, तुमको ही तो देख के हम आने वाले थे, तब भी बोलेंगे अब भी बोलेंगे, बोलना उनका काम है, फितरत ही बोलना है, निंदा करना, ताने कसना, ग्लानी करना, क्योंकि ये सारे चीजों में एक अलौकिक रस आता है, निंदा सुख, निंदा सुख अर्थात किसी की निंदा करने के बाद जो कलेजे को राहत मिलती है, पेट भर कर किसी की निंदा करने के बाद जो सुख मिलता है उसे कहा जाता है निंदा सुख, हल्का हो जाता है, सुरक्षित हो जाते हैं, और कोई साथी भी मिल जाता है, हां में हां मिलाने वाला कि हम सब ठीक कर रहे हैं अभी, मतलब वास्तव में उसमें वो सारी चीजें हैं। इसलिए आज कहा बहुत कड़े शब्द है बाबा, सुनी सुनी बातों पर विश्वास नहीं करो, बाप से पूछो, रूमर्स यहां की अफवाह है, वहां चाइनीज विस्पर, चाइनीज विस्पर पता है ना, एक ने क्या कहा क्या कहा क्या कहा क्या कहा, कहां से कहां पहुंच गई बात, बात ठीक है और पहुंच कहां गई, किसी को कुछ पता नहीं रहता है, बातें होती है बस हवाओं में, सत्य की लेश मात्र नहीं। तो कुमारियों से बाबा ने ऐसी 10 बातें की, फिर से रिवाइज करते हैं, सबसे पहला कुमारी अर्थात कमाल करने वाली, अलौकिक, गिराने वाली नहीं उड़ाने वाली, दूसरा कुमारी अर्थात सर्व रस, सर्व संबंधों का रस एक बाप से, इसका थोड़ा गहरा अभ्यास चाहिए, अमृत वेला, ना केवल अमृत वेला सारे दिन भर, वो मेरा एक ही संबंध नहीं, नए नए संबंध, वो मेरा अंग रक्षक है। जैसे एक माता थी तो उनको पूछा था कि आपको कौन सा सबसे अच्छा संबंध लगता है बाबा का, वो कहे, उसने कहा बड़ा भाई, बड़ा भाई का संबंध, क्यों, तो उसने कहा मेरा पति जो था जब ज्ञान में आई तो बहुत विरोध करता था, पवित्रता के लिए रोज झगड़े होते थे, और फिर मैं बाबा को पुकारती थी भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, उसको भाई बना के रख दिया। तो अलग अलग संबंधों से उसको याद करना है, नए नए संबंध से उसको याद करना है, हर दिन नए संबंध से, जैसे बाबा ने कहा आज मैं तुमको छुड़ाता हूं, लिबरेट करता हूं डबल जेल से, बहुत बड़ा जेल है रावण का, अनलिमिटेड बेहद का, मैं छुड़ाता हूं सभी 5 विकारों के पंजे में, कब्जे में, मैं छुड़ाने आया हूं तुमको, तारनहार। अगली पॉट, अगली पॉइंट निश्चय बुद्धि है, अगली बात बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, इसके लिए अपने चलन, अपने चरित्र को बहुत ऊंचा रखना है। अगली शक्ति सेना में, अगला स्वप्न में भी हिलना नहीं, हलचल नहीं, स्वप्न में हलचल नहीं, हमने स्वप्न को बीच में छोड़ दिया क्या, 5 3 चौथा स्वप्न होता है कि जिसमें आपको भविष्य में क्या होने वाला है वो पता चल जाता है, कई सबको नहीं होंगे ये, अगले लास्ट 2 जो है कुछ कुछ को हो जाता है, ट्रांस जैसा ही, कि ट्रांस तो अलग चीज है, ध्यान की अवस्था, इसमें कल क्या होने वाला है आज पता चल जाए। जैसे अमेरिका की एक लेडी थी, उसने सुबह स्वप्न देखा कि शाम का न्यूज़पेपर है उसमें उसकी डेथ की खबर है, शाम के न्यूज़पेपर, उसने बताया सबको, उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं ऐसा थोड़ी होता है, उसने कहा नहीं इस पेज पे इस खबर छपी है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं मरने वाली हूं, उसकी उसकी अपनी न्यूज़पेपर में उसको दिख गई, उसने कहा ये टाइम पे कोई न्यूज़पेपर ही नहीं आता है, शाम का न्यूज़पेपर, सुबह के न्यूज़पेपर आ चुका है, उसमें तुम्हारा खबर है ही नहीं, उसने कहा नहीं मैंने देखा है, और लोगों ने माना ही नहीं, शाम को बराबर उसका एक्सीडेंट हुआ और वो न्यूज़पेपर जिसकी किसी को खबर नहीं थी उसमें उसका फोटो था एक्सीडेंट का। कुछ कुछ लोगों को पूर्वाभास हो जाता है मरने का,
चीजों का घटनाओं का वो, और लास्ट टाइप के स्वप्न ड्रीम्स फ्रॉम द सुपर कॉन्शियस, ये सबसे योगी को आ सकते हैं ऐसे, जो एकदम अति अति चेतन से आने वाले स्वप्न होते हैं, वो अलग प्रकार के स्वप्न होते हैं एकदम, उसमें साक्षात्कार जैसा हो जाता है बहुत सारी चीजों का. ड्रीम्स फ्रॉम दी सबकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस, तो वो पांच. तो स्वप्न में भी हलचल नहीं. अगला कुसंग नहीं. अगला श्रेष्ठ तकदीरवान. अगला बॉम्ब. हाँ, बॉम्ब फेंकने वाली. अगला और सेंटर की रौनक और मधुबन का घर का श्रृंगार. माता गुरु को भी बाबा ने थोड़ा वहां याद किया. तो ऐसी ये 10 बातें कुमारियों की मुलाकात में थी, और 2-3 मिनट है आज की मुरली में. बहुत सारी बातें तो बोल दी, पर जो नहीं बोली वो पॉइंट्स आप बताएंगे. जो नहीं बोली, जो बोल दिया उसको रिपीट नहीं करो आज सुबह की. निमित्त बनकर क्या करना है? यथार्थ पाठ बचाना है. तो क्या हो जाएगा? सबका सहयोग प्राप्त हो जाएगा. निमित्त निमित्त निमित्त. टीचर से मुलाकात में भी बाबा ने कहा, टीचर अर्थात निमित्त, मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, ये नहीं. टीचर अर्थात न्यारी प्यारी, टीचर अर्थात रूहे गुलाब. सुबह इसकी चर्चा की थी. और सर, हाँ, देह विमान सर्विस करो तो देह विमान चला जाएगा. नई पॉइंट है. निश्चय बाप से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा. अच्छा, और देही व्योनी में बहुत बड़ी सर्विस है. और त्रेता को सेमी स्वर कहेंगे. और मरने से पहले पूरा पुरुषार्थ कर लो. और सोचो बस, आज की अंतिम रात है मेरी, द लास्ट नाइट. और जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश करना है. अंदर की सफाई करनी है. कैरेक्टर को श्रेष्ठ बनाए. सारा मदार कैरेक्टर पर है. और पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे? ये पढ़ाई पढ़नी है जिससे कैरेक्टर बने. कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन है ये कैरेक्टर. ये कोई साधारण एजुकेशन नहीं है. वो मैकुलाय था जिसने वो शिक्षा इंट्रोड्यूस की भारत में. मैकुलाय सिस्टम ऑफ एजुकेशन है भारत में. उसके पहले गुरुकुल था. गुरुकुल नष्ट हो गए और ये आ गया, जहां पर तोता रटन, परीक्षा पास करना, बस यही एग्जाम परीक्षा है, यही शिक्षा है. अक्षर ज्ञान ही शिक्षा है. यहां चरित्र ज्ञान शिक्षा है. यह मैक्युलाय सिस्टम ऑफ एजुकेशन नहीं है. यह भगवान की सिस्टम है एजुकेशन की. यह भगवान का गुरुकुल है. और निश्चय नशा. और तीसरी कौन सी बात? योग की सिद्धि अगर होगी तो रोटियों का क्या हो जाएगा? तो रोटियों को नरम बनाने की नई विधि. कड़क रोटी है तो सूखी रोटी है तो क्या हो जाएगी? नरम. इसलिए कभी लेट गए भंडारे में और कड़क रोटी मिली तो 3 चीजों का प्रयोग करना. निश्चय नशा और योग की सिद्धि. और 3 चीजें ऐसी मुरली में आई है जिसका ख्याल रखना है. धारणा के लिए मुख्य पॉइंट, पॉइंट नंबर 2. 3 शब्द, इज्जत, नुकसान, तीसरा फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और इज्जत. ये 3 चीजों का ख्याल रखना है कैरेक्टर के लिए. मुरली में है, बोलना क्या है? क्या करना है? हाँ, मुंबई में जाके सेवा करके वहां पे सुना उनको ये है. और ये मेरा प्लान नहीं था. ये ड्रामा में शुरुआत ही वहां से है. शुरुआत मुरली की कहां से है? मैं कैसे आया हूं? ड्रामा प्लान अनुसार आया हूं. मैं तुम्हें 2-2 जेल से छुड़ाता हूं. पर तुम 10 बार, मैं तुमको कहता हूं, 1000 तो नखरे दिखाते और 1 बार भी नहीं छूटते. और हाँ, धोखा नहीं खाना है उनसे, पर निर्भर नहीं रहना उनके ऊपर. आज है कल नहीं रहेंगे. आज सब कुछ है, कल कुछ भी नहीं रहेगा. और सेंटर पर रहते हुए भी क्रिमिनलाइज है. बहुत बड़ी बात बोल दी बाबा ने. अच्छे बच्चे अच्छे सेंटर पर रहते हैं, क्रिमिनलाइज है.
criminal, crime, criminal or criminalize? जगन्नाथ मंदिर 18 बार लूटा गया था. जगन्नाथ मंदिर इस संसार की सबसे बड़ी रसोई, सबसे बड़ी रसोई जगन्नाथ मंदिर में. सोमनाथ अलग, ये अलग. जब औरंगजेब था उसने तो बंद करा दिया. वो 1707 में जब मरा उसके बाद में मंदिर फिर खुला. 6 बार पूजा होती है वहां पर. पूजा नहीं, भोग लगाया जाता है. सुबह सुबह भोग, फिर भोग, फिर भोग, फिर भोग, फिर भोग. बाबा ने कहा वहां क्या है, 10वीं शताब्दी में बना था. उसको क्यों याद किया जगन्नाथ? पूरा तो बोलो, चित्र ठीक नहीं है, वाम मार्ग वाले हैं. वो भी यादगार है कि देवताएं पहले ऐसे थे, फिर ऐसे बन गए, फिर वो गिरे. बॉम्बे का क्या, बाबुलनाथ मंदिर, और वहां से बात अच्छी होती है. और देहाभिमान याद और देहाभिमान नहीं, ये दो चीजें चाहिए अच्छे भाषण के लिए. बहुत है जो बातें बनाने में देरी है. खलास करते हैं, खाक करते हैं, अंदर से जलते हैं, जलाते हैं. हाँ बोल दिया. अप्राप्ति भी प्राप्ति अनुभव है. जो कुछ भी नहीं है फिर भी लगे कि सब कुछ है, ऐसा अनुभव. बिछोना धरती को करके अरे आसमान ओढ़ ले. और बोल दिया त्रेमी. हाँ तो वेरीफाई कर लो. तो रोज की मुरली से पॉइंट्स निकालनी है. रोज की मुरली से चिंतन की धारा बहनी चाहिए. रोज की मुरली से अपने चिंतन को सशक्त शक्तिशाली बनाना है. सारे दिन भर बुद्धि में ज्ञान गूंजता रहे तो माया कहां से आएगी, क्योंकि ज्ञान प्रकाश है. जब ज्ञान कम हो जाता है तभी अंधकार प्रवेश करता है, व्यर्थ प्रवेश करता है, निगेटिव प्रवेश करता है, परचिंतन, परदर्शन, झरमोई, झगमोई. जहां ज्ञान ही ज्ञान है बुद्धि में, वहां से कहां से कुछ आएगा. तो ज्ञान से भर देना है स्वयं को. ओम शांति.